welcome to the channel pupil teacher today we will discuss about the marathon series of financial mathematics the first topic is simple interest simple interest हमारा वो interest होता है जिसपे हमें rate of interest हमें निकालना पड़ता है per year like आपको जो भी आपका interest आएगा वो whole year का होता है और इसमें आपका कोई भी आपको मतलब per year के अलावा आप उसको half yearly या क्वार्टरली uh, नहीं आप इसको डिवाइड करते हो सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें पर ईयर का ही इंटरेस्ट निकालना पड़ता है और इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन हंड्रेड इं टाइम लाइक जितना आपने प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ होता है उसको आपको जो रेट दिया होता है उसको इन टाइम अपॉन हंड्रेड करके आप उसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हो नॉर्मली आप एक क्वेश्चन अज्यूम कर लो यहाँ पे कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ फोर्टी थाउजेंड फॉर थ्री ईयर्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ एट परसेंट पर एन एम कैल्कुलेशन इसकी हमें करनी है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है रुपीज़ फोर्टी थाउजेंड पर तीन साल के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एट परसेंट दिया हुआ है फॉर्मूला जो होता है सिंपल इंटरेस्ट का वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई हंड्रेड तो so, प्रिंसिपल हमारा फोर्टी थाउजेंड है यानी कि हमें जो अमाउंट है यहाँ पे वो फोर्टी थाउजेंड है रेट आपका एट परसेंट है पर एन एम यानि कि आपको होल ईयर का निकालना है और टाइम है आपका थ्री ईयर तो फोर्टी थाउजेंड इंटू एट इंटू थ्री डिवाइड बाई हंड्रेड हम करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा हमारा देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन करते जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट में आपको सिर्फ ईयरली uh, निकालना है आपको इसमें कोई और टाइप नहीं मिलेगा कि आप क्वार्टरली निकालो या हाफ ईयरली निकालो या वीकली निकालो एक सिंपल ही इसका टाइप होता है वो होता है कि आपको पर एन ही निकालना होता है इसका सिंपल इंटरेस्ट देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है आपका उसमें आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जुड़ा हुआ होता है और उसी को हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं जो कि आपका अमाउंट बनता है जाके इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल वन प्लस आर डिवाइड बाई हंड्रेड की पावर एन कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल देन एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका लाइक रुपीज एट हंड्रेड एट फाइव परसेंट पर एनम सी आई टू रूपीज एट एट टू इन हाउ मेनी इज आपको एट हंड्रेड पे फाइव परसेंट प्रिंसिपल है जिसका सी आई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो एट हंड्रेड एटी टू दिया हुआ है और आपको इसमें ईयर निकालना है यानी कि आपको टाइम ड्यूरेशन निकालना है कि कितने टाइम में आपका आठ सौ एट एटी टू बनेगा जाके फाइव परसेंट पर एन एम तो आप नॉर्मली अपना क्वेश्चन लगाएं, लगाएंगे फॉर्मूला लगाएंगे इसमें अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल वन प्लस आर डिवाइड बाई हंड्रेड की पावर एन प्रिंसिपल की जगह पे एट हंड्रेड रखेंगे और अमाउंट की जगह पे एट एट टू रखेंगे आर की जगह पे फाइव परसेंट आएगा और एन आपको यहाँ पे फाइंड करना है तो सिंपली आप फॉर्मूले में पुट करके वहां पे एन की वैल्यू निकाल सकते हैं देन कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत सारे टाइप्स आते हैं आपको लॉग के क्वेश्चन मिलते हैं तो लॉग का क्वेश्चन करने के लिए आपको लॉग टेबल पता होने चाहिए और एग्ज़ाम में आपको इसकी वैल्यूज याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको लॉक टेबल मिलेगी तो आपके जो भी क्वेश्चन आएगा उस, आ, उसको देखते हुए आप वो वैल्यू पुट कर सकते हैं लॉक की टेबल को देख के ये एंटी लॉग है उसी का जस्ट पार्ट है लॉग का और इसका मेथड है लाइक अगर ए की पावर एन लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब होता है एन लॉग ए आप ये सारे टर्म्स अपने क्वेश्चन में यूज करोगे अगर ए इंटू बी लिखा है तो उसको आप जब लॉग के फॉर्म में करोगे तो वो लॉग ए प्लस लॉग बी बन जाता है और ए डिवाइड बाई बी लिखा होता है तो वो लॉग आप जब सॉल्व करोगे तो लॉग ए माइनस लॉग बी बनेगा जाके इसका एक क्वेश्चन है वेन अंशु इज बॉर्न रुपीज फाइव थाउजेंड इज डिपॉजिटेड बाई हिज मदर इन एन अकाउंट दैट पेज इंटरेस्ट एट द रेट टेन परसेंट पर एन एम सी आई वॉट अमाउंट विल देयर बी टू हिज क्रेडिट ऑन अंशुज एटीनथ बर्थडे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंशु जब बॉर्न हुआ था जब उसका जन्म हुआ था तो पाँच हज़ार रुपये जो उसकी मदर ने डिपॉजिट करे थे उसके अकाउंट में टेन परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट था तो हमें बताना है कि कितना अमाउंट अब कलेक्ट हो गया होगा उसके एटीनथ बर्थडे पर तो लॉ का क्वेश्चन करने के लिए भी हमें फॉर्मूला हमारा वही रहेगा अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल वन प्लस रेट अपॉन हंड्रेड डिवाइड बाय एन तो हम प्रिंसिपल के जगह पे फ़ाइव थाउजेंड रखेंगे रेट आपका टेन परसेंट रहेगा और जो एन होगा वो एटीन होगा यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे लॉग का यूज़ करना है तो हम लिखेंगे लॉग ए यानी कि जो अमाउंट है उसके आगे हम लॉग लगाएंगे देन लॉग फाइव थाउजेंड प्लस एटीन लॉग वन वन ज़ीरो माइनस लॉग हंड्रेड वन प्लस टेन डिवाइड बाई हंड्रेड की पावर जो एटीन लिखा है वो आपकी जो एटीन पावर है अभी मैंने बताया था कि जो ए की पावर एन जब हम लॉग सॉल्व uh, करेंगे तो वो एन लॉग ए बन जाएगा यानी कि जो एन है वो आपका प्लस के बाद आएगा यानी कि एटीन देन लॉग वन थाउजेंड टेन माइनस लॉग वन हंड्रेड आएगा आपका देन हमें लॉग की वैल्यू अब आपको फाइव थाउजेंड की वैल्यू जाननी होगी तो इसकी वैल्यू आपको देखने के लिए आपके पास लॉग टेबल होना चाहिए देन आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि लॉग आप, आप लॉग फिफ्टी की वैल्यू अपने लॉग टेबल में देखिए जाके लॉग फिफ्टी की वैल्यू जितनी आएगी उसके आगे आप वो वैल्यू लिख दीजिए और उसके बाद आप टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट्स काउंट करिए कि कितने डिजिट्स हैं उसमें से वन माइनस कर दीजिए लाइक यहाँ पे फोर डिजिट्स हैं इसमें हम वन माइनस करेंगे तो ये थ्री पॉइंट सिक्स नाइन नाइन ज़ीरो बनेगा जाके प्लस एटीन ही रहेगा और आपको फिर लॉग वन वन जीरो की वैल्यू पता होने चाहिए तो इसकी वैल्यू भी आपको देखने के लिए आप लॉग टेबल में जाएंगे और वहाँ से आप इलेवन की वैल्यू देखिए इलेवन के आगे ज़ीरो लिखा होगा ऊपर तो जो वो वैल्यू लिखी होगी आप उस वैल्यू को लिखिए और देन टोटल करके इन डिजिट्स को माइनस वन कर दीजिए इसमें तो वैसे ही सेम आप लॉक हंड्रेड की वैल्यू निकालेंगे और देन फिर जो भी आप को ये कैलकुलेट करने पे आएगा उसके आगे आप एंटी लॉग लगाएंगे अभी आपका ये पूरा क्वेश्चन नहीं होगा आपको फिर एंटी लॉग पता होना चाहिए देन एंटी लॉग जो uh, को सॉल्व करने के लिए पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स लिखे हुए हैं लाइक पॉइंट नाइन ज़ीरो फोर टू लिखा हुआ है तो आप एंटी लॉग की टेबल में जाएंगे वहाँ पे पॉइंट नाइन ज़ीरो देखेंगे नाइन जो नाइन जीरो के फोर टर्म में जाइए ऊपर ज़ीरो वन टू थ्री फोर लिखा होगा तो जो फोर वाला जो कॉलम होगा उसमें जो डिज़िट लिखी होगी उसे सेलेक्ट करेंगे फिर उसके बगल में एक और कॉलम बना होगा वहाँ से आप टू की डिज़िट सेलेक्ट करेंगे जितना आएगा उसको प्लस करेंगे और फिर यहाँ पे थ्री पॉइंट नाइन जीरो फोर टू लिखा हुआ तो थ्री में हम प्लस वन करेंगे प्लस वन करेंगे और उसके आगे देन जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें एड ऑन कर देंगे और यही आपका अमाउंट निकल के आएगा देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉमिनल एंड एफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड नॉमिनल इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग इज नॉट आइडेंटिकल टू द बेसिक यूनिट नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है कंपाउंड इंटरेस्ट की वो हमें पता नहीं होती यानी कि वो आपकी यूनिफॉर्म नहीं होती है तो उसको हम नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट रिफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट विदाउट एडजस्टमेंट फॉर फुल इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग उसका पूरा कोई इफेक्ट नहीं होता है कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको हम नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं दे हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है इन प्रैक्टिस इंटरेस्ट में भी कंपाउंडेड मोर फ्रिक्वेंटली

और जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा होता है वो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट से बड़ा होता है देन एक क्वेश्चन कर लेते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विवेलेंट टू नॉमिनल रेट ऑफ ट्वेंटी परसेंट पर एन एम पेबल हाफ ईयरली इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपका फॉर्मूला होता है वन प्लस आई एन माइनस वन और जो आपका आई होता है यही आपका आर बाई हंड्रेड होता है तो हमें इस क्वेश्चन में आर जो है वो आपका ट्वेंटी परसेंट दिया है और आपको हाफ ईयरली निकालना है हाफ ईयरली निकालने के लिए आपको आर डिवाइड बाई टू करना पड़ता है तो ट्वेंटी डिवाइ डिवाइड बाई हंड्रेड इंटू टू करेंगे तो हमें आई की वैल्यू पता चलेगी पॉइंट वन एंड देन हम उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे 1 प्लस वन प्लस पॉइंट वन हाफ ईयरली निकालना था तो हमारा एन जो होगा वो टू हो जाएगा माइनस वन तो हमारा ट्वेंटी वन परसेंट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा देन नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आपका टोटली कैलकुलेटर बेस्ड इसकी कैलकुलेशन है देन uh, इसका आपका फॉर्मूला होता है एन वन प्लस आई वन बाय एन माइनस वन और लाइक uh, like आपका जो एन है वो टू है और आई आपका ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो सिक्स वन फोर है और वन बाय एन आपका वन बाय टू माइनस वन होगा और इससे आपको इस पूरे को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स ऊपर लिखे हुए इनका यूज़ करना पड़ेगा लाइक like आप टाइप पहले आप टाइप करिए ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो सिक्स वन फोर अपने कैलकुलेटर पे, फिर सेकेंड होगा आप स्क्वायर की बटन जो होगी आपके कैलकुलेटर को उसको ट्वेल्व टाइम प्रेस करिए देन उसमें माइनस वन करिए और फिर मल्टीप्लाई करिए वन डिवाइड बाई टू देन प्लस वन करिए उसमें और फिर प्रेस करना है आपको मल्टीप्लाई एंड इक्वल्स टू को साथ में ट्वेल्व टाइम फिर उसमें आप माइनस वन कर दीजिए और इन टू करेंगे देन आपका नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा लाइक like एक ये क्वेश्चन देखिए फाइंड द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड वीकली दैट इज इक्वल इन टू एटीन परसेंट आपका फॉर्मूला एन वन प्लस आई वन बाय एन माइनस वन होता है आपकी एन की वैल्यू फिफ्टी टू हो जाएगी आई आपका आर बाय हंड्रेड होता है तो जीरो पॉइंट वन एट वन बाय एन आपका वन अपॉइंट फिफ्टी टू होगा देन माइनस वन तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि आप ज़ीरो पॉइंट वन एट टाइप करिए अपने कैलकुलेटर पे देन स्क्वायर की बटन को ट्वेल्व टाइम आप प्रेस करिए देन उसमें माइनस वन करिए फिर मल्टीप्लाई का साइन प्रेस करके वन डिवाइड बाई फिफ़्टी टू करिए फिर आपको मल्टीप्लाई और इक्वल्स टू साथ में मतलब एक बार मल्टीप्लाई दबाइए और एक बार इक्वल्स टू ऐसे करके आपको ट्वेल्थ टाइम उसको प्रेस करना है देन माइनस वन कर दीजिए एंड इन टू फिफ्टी टू कर दीजिए तो आपका नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा देन आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू वो वैल्यू होती जो आपने आज लगाई होती है और उसकी वैल्यू आपको फ्यूचर में क्या होगी ये जानने के लिए हम प्रेजेंट वैल्यू का यूज़ करते हैं और फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू का पता होना ज़रूरी होता है तभी हम फ्यूचर वैल्यू निकाल पाते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है आपका फ्यूचर वैल्यू वन प्लस डिवाइड बाय वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड की पावर एन और फ्यूचर वैल्यू का आपका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस आर डिवाइड बाय हंड्रेड की पावर एन डू वन क्वेश्चन कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अ पर्सन विल रिसीव रुपीज थ्री थाउजेंड आफ्टर एट ईयर्स एट द रेट टेन परसेंट आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और क्वेश्चन में बोला गया कि एक पर्सन है उसको तीन हज़ार रुपये मिलेंगे आठ साल बाद ऐट द रेट टेन परसेंट और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो टेन परसेंट होगा यानी कि आठ हज़ार सॉरी तीन हज़ार जो है वो उसको आठ साल बाद मिलेंगे यानी कि ये उसकी फ्यूचर वैल्यू की बात हो कि जो फ्यूचर वैल्यू है वो आपको थ्री थाउजेंड दी है तो आपको बताना है कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी आज तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हम जानते हैं फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय वन प्लस आर बाय हंड्रेड की पावर एन तो फ्यूचर वैल्यू की जगह पर थ्री थाउजेंड रखेंगे वन प्लस आर की जगह पर टेन परसेंट अपऑन हंड्रेड और एन की पावर एट देन इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा then next question है इफ़ यू deposit rupees four thirty eight at the rate six percent per annum for five years compounded annually how much you have at the end of five years आपने deposit करा है four thirty eight सिक्स परसेंट रेट ऑफ़ इंटरेस्ट है फाइव ईयर्स के लिए आपको बताना है कि पाँच साल बाद ये अमाउंट कितना होगा जाके यानी कि आज आप प्रजेंट वैल्यू लगा रहे हो यानी कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो फोर थर्टी एट है एंड आप आपको फ्यूचर वैल्यू बतानी है इसकी तो फ्यूचर वैल्यू का आपका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस आर डिवाइड बाई हंड्रेड की पावर एन प्रेजेंट वैल्यू आपको दी हुई है फोर थर्टी एट वन प्लस रेट आपका सिक्स परसेंट एंड एन की पावर आपकी फ़ाइव हो जाएगी देन उससे आपकी फ़्यूचर वैल्यू आ जाएगी और इसी में ही आपके बहुत सारे टाइप्स सा आ जाते हैं लाइक like, आपको फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू निकालना है आपको बोल दिया जाएगा कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली वीकली मंथली तो अगर हाफ़ ईयरली बोला जाता है तो आप आर डिवाइड बाई टू करते हो और एन इंटू टू करोगे अगर आपको वीकली बोला गया है तो आप आर डिवाइड बाई फिफ्टी टू एन इंटू फिफ्टी टू करेंगे अगर आपको क्वार्टरली बोला गया है तो आर डिवाइड बाई फोर एन इंटू फोर करेंगे मंथली बोला गया है तो आर डिवाइड बाई ट्वेल्व करेंगे और एन इंटू ट्वेल्व करेंगे तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं अंडर अ पर्टिकुलर थाउजेंड इन्वेस्टेड फॉर थ्री इयर्स एट द रेट एट परसेंट पर एन एम कंपाउंडिंग हाफ इयरली फाइंड द फ्यूचर वैल्यू एक हजार आज इन्वेस्ट हुआ है तीन साल के लिए एट परसेंट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और बोला गया कि इसको आपको हाफ ईयरली कंपाउंड हुआ है और आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर हाफ ईयरली बोला जाएगा तो आपका फॉर्मूला वही रहेगा जो आप फ्यूचर वैल्यू के लिए यूज़ करोगे निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस आर डिवाइड बाई हंड्रेड की पावर एन बट हाफ ईयरली बोल दिया गया है यानी कि हाफ ईयरली यानी कि आपका जो एनअल ईयर था यानी कि हाफ ईयरली यानी कि हुआ सिक्स मंथ तो आप आर डिवाइड बाई टू करोगे और एन इंटू टू करोगे यानी कि प्रेजेंट वैल्यू की जगह पे वन थाउजेंड देन वन प्लस रेट आपका एट अपॉन हंड्रेड इंटू टू कर दोगे और आपको थ्री ईयर्स बोला गया था तो आप थ्री इन टू कर देंगे देन आपको फ्यूचर वैल्यू पता चल जाएगी उसकी फिर आता है एनुटी एनुटी के ये फॉर्मूलाज हैं कुछ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ डिफर्ड एनुटी एंड प्रजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेपचुअल एनओटी एंड प्रजेंट वैल्यू ऑफ अ डिफर्ड एनओटी देन एन ओ टी होता क्या है एन ओ टी आपका वो सीक्वेंस ऑफ पेमेंट होता है जो कि आप एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करते हो और एक इक्वल अमाउंट होता है जैसे कि हम ले लेते हैं कि एल आई सी एल आई सी जब आप सपोज uh, करेंगे आपने टेन लाख के एल आई सी ली है और आपको उस अब उस पर प्रीमियम आपको डिपॉजिट करना आ, करना है फ़ोर्टी एट थाउजेंड तो जो ये फोर्टी एट थाउजेंड जो अमाउंट है इसको आप हर साल में फोर्टी एट फोर्टी एट आपको सबमिट करना है तो ये जो फोर्टी एट अमाउंट है ये आपका एक इक्वल अमाउंट हुआ जो कि आप यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ़ टाइम में कर रहे हो तो एनुटी आपका ये कि वो अमाउंट जिसे आप एक इक्वल इंटरवल ऑफ़ टाइम में करते हो और जो आपका पेमेंट होता है वो यूनिफॉर्म होता है ये नहीं कि आज आप एंड में कर रहे हो ईयर के और कल आप बिगनिंग में कर रहे हो ऐसा नहीं है कि आपको इक्वल अमाउंट पे करना है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करना है और उसी को हम एनिटी कहते हैं कुछ बेसिक टर्म्स आते हैं एनिटी में पहला होता है पेरियोडिक पेमेंट पेरियोडिक पेमेंट इज द साइज ऑफ द एनिटी इन टर्म्स ऑफ मनी दिस प्रेजेंट, द फिक्स्ड पेमेंट दैट इज़ टू बी मेड टूवर्ड्स एन एनउटी इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाई आर पेरियोडिक पेमेंट आपका वो पेमेंट होता है जो कि आपको एक फिक्स पेमेंट होती है जो को, जो कि आपको फिक्स नंबर ऑफ टाइम में करनी होती है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से देन आता है पेमेंट पीरियड द टाइम पीरियड बिटवीन टू पेमेंट डेट इज़ नोन एज द पेमेंट पीरियड जो गैप होता है फर्स्ट एनओटी uh, को पे करने में और सेकेंड एनुटी को पे करने में उसके बीच का जो गैप होता है उसको हम पेमेंट पीरियड बोलते हैं एनुटी पेमेंट में भी डन आइदर इधर एनुअली सेमी एनअली क्वार्टरली मंथली वीकली जो एनुटी का पेमेंट है ये आपका एनुअली भी हो सकता है सेमी एनुअली भी हो सकता है क्वार्टरली हो सकता है मंथली और वीकली भी हो सकता है पेमेंट पीरियड इज ऑल्सो रिफर्स टू एज रेंट पीरियड और पेमेंट हम पेमेंट पीरियड को रेंट पीरियड भी कहते हैं इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एन इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है इफ़ द इंस्टॉलमेंट इज़ पेबल एनअली दैन द पेमेंट पीरियड इज ऑफ वन ईयर अगर आप इंस्टॉलमेंट यानी कि जो भी आप एनटी पे कर रहे हो अगर वह एनुअली है तो उसको हम वन ईयर बोलेंगे अगर वो सेमी एनअली है तो उसको हम सिक्स मंथ के लिए बोलेंगे देन आपका टर्म ऑफ एनोटी आता है द टाइम पीरियड बिटवीन द फर्स्ट एनोटी पेमेंट एन द एंड ऑफ द लास्ट पेमेंट इज टर्म एज टर्म ऑफ एनोटी जो टाइम पीरियड होता है बिटवीन जो कि आप जो फर्स्ट एनुटी जब पे करते हो और जो लास्ट एनुटी पे करते हो उसको हम टर्म ऑफ एनुटी कहते हैं देन फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनोटी फ्यूचर वैल्यू ऑफ इट इज द समल ऑफ ऑल द पेमेंट डन टूवर्ड्स एनोटी प्लस द इंटरेस्ट अर्न ऑन इट टिल द एंड ऑफ द एनुटी पीरियड दट द सम टोटल ड्यू एट द एंड ऑफ द टर्म ऑफ एनुटी इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एनुटी यानी कि जितनी भी आपने अभी तक पेमेंट करी है स्टार्टिंग टू द एंड एंड के बाद जितना भी आपने उस पर इंटरेस्ट अर्न करा है वो पूरा टोटल करके आपकी फ़्यूचर वैल्यू ऑफ़ एनुटी आती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ़ एनुटी और कैपिटल वैल्यू ऑफ़ एनुटी एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द पेमेंट डन एनुटी यानी कि आज जो आपने पेमेंट करी है एनुटी उसको हम प्रेजेंट वैल्यू कहेंगे टाइप्स ऑफ एनुटी आते हैं बेस्ड ऑन पेमेंट टर्म पेमेंट टर्म पे जो बेस्ड होती है पहली आपकी एनुटी सर्टेन वन द पेमेंट पीरियड इज सर्टेन इट इज सेट टू बी एनुटी सर्टेन एनुटी पेबल फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम और अ फिक्स टर्म इज़ एनुटी सर्टेन एनिटी जो सर्टेन होता है आपका यानी कि आपको एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में आपको उस अमाउंट को पे करना होता है और फिक्स्ड अमाउंट होता है वो उसको हम एनटी सर्टेन कहेंगे परपैपचुअल एनिटी वेन द पेमेंट टूवर्ड्स एनटी कंटिन्यूज फॉर एन इन डेफिनिट टाइम इट इज़ सेट टू बी परपैप्चुअल एनिटी हियर द पेमेंट टर्म इज़ नॉट फिक्स इट मे कंटिन्यू फॉर जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एल आई सी का एल आई सी का आपने एक uh, आर्ट से ना सुना होगा जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी तो ये आपका परपेपचुअल एनिटी की तरह है कि अगर आपकी डेथ भी हो जाती है तो उसके बाद भी आपकी जो एल है वो चलती रहेगी यानी कि इसमें कोई भी फिक्स्ड नंबर ऑफ़ ईयर्स नहीं है कि हाँ आपको इतने टाइम तक ही पेमेंट करना है ये कंटिन्यू होती रहती है इसी को हम परपेपचुअल एनोटी कहेंगे देन कंटेंजेंट एन आती है वैन पेमेंट टूवर्ड्स एनोटी कंटिन्यूज स्टिल हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इट इज़ सेट टू बी अ कंटेंजेंट एनोटी कंटेंजेंट एनोटी आपकी इवेंट्स पे बेस्ड होती है लाइक like, कब कौन सी सिचुएशन आ जाए आपकी उन सिचुएशन पे कंटेंजेंट एनोटी आपकी डिपेंड करती है देन बेस्ड ऑन पेरियोडिक पेमेंट एलोडिक पेमेंट पे बेस्ड हैं कुछ एनिटीज पहला है आपका यूनिफॉर्म एंड लेवल एनिटी व्हेन द पेमेंट अंडर द एनिटी आर इक्वल इट इज़ अ यूनिफॉर्म एनिटी और लेवल एनिटी जब आप पेमेंट कर रहे होते हो और आपका जो पेमेंट अमाउंट है वो इक्वल होते है यानी कि अगर आपने आज वन थाउजेंड सबमिट किया है तो आपको आगे भी वन थाउजेंड ही सबमिट करना तो ये आपका एक यूनिफॉर्म एनिटी हो जाता है देन वेरिएबल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एनिटी जहाँ पे आप जो अमाउंट पे कर रहे हैं फिक्स नहीं होता है यानी कि वो यूनिफॉर्म नहीं होता है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है तो उसको हम वेरिएबल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एनुटी कहते हैं देन बेस्ड ऑन पेमेंट डेट पहला है आपका एनुटी ड्यू वो एनुटी जिसे आप बिगनिंग ऑफ द ईयर जब आप सबमिट कर देते हो जब आप पे कर देते हो उसको हम एनटी ड्यू बोलते हैं देन एनटी इन एरियर वो अमाउंट uh, जो कि अब एंड ऑफ ईच पीरियड करते हो यानी कि एंड ऑफ द ईयर करोगे उसको आप एनुटी इन एरियर बोलते हो देन ऑर्डिनरी एनुटी आता है वैन द एनुटी बिगिनस इमिडिएटली आफ्टर परचेजिंग द प्लान इट इज़ ऑर्डिनरी एंड इमीडिएट हियर द पेमेंट इज़ नॉट डिलेड बियॉन्ड वन ईयर यानी कि अगर जब आप कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहे हो और उसके जस्ट बाद ही आपको तुरंत ही पेमेंट करनी है उस चीज़ की तो उसको हम ऑर्डिनरी एनुटी कहेंगे और आप इसको डिले नहीं कर सकते हो एक साल से ज़्यादा के लिए देन आपका डिफर्ड एनुटी आता है डिफर्ड एनुटी में ये मतलब डिले होता रहता है आपको एक साल के बाद आप इसका पेमेंट करते हो तो इसको हम डिफर्ड एनुटी बोलेंगे देन इसके uh, कुछ निमारिकल्स हैं जिसमें हमें प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना होता है कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अमाउंट ऑफ एनुटी आपका फिफ्टी थाउजेंड दिया हुआ है डिस्काउंट एट परसेंट एंड टाइम आपका फाइव ईयर है तो जो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अभी ऊपर हमने देखा उसका आप यूज़ करेंगे तो इस यहां से आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन आ जाएगा देन ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ का फॉर्मूला लगाएंगे और आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनिटी का अमाउंट आएगा आपका देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी इन दिस इंटरेस्ट रेट इज़ फ़िक्स्ड और रेट ऑफ रिटर्न इज़ फिक्सड फिक्सड इनकम सिक्योरिटी आपका आपकी वो सिक्योरिटी होती है जहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्सड होता है लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए होता है जैसे कि अप टू थर्टी टू थर्टी टू ईयर्स के लिए होता है सिक्योरिटीज़ के दो नेचर होते हैं या तो ओनरशिप बेसिस होगा या तो डेप्टर या तो यानी कि आप शेयर्स के फॉर्म में सिक्योरिटीज uh, को लेते हो या तो डिबेंचर के फॉर्म में करते हो तो जो डे शेयर्स होता है वो आपको ओनरशिप प्रोवाइड करता है और डेबेंचर जो होता है वो डेप्टर यानी कि आप uh, उधारी के तौर पे आप लेते हो उस चीज को देन बॉन्ड्स आर अ टाइप ऑफ सिक्योरिटीज सोल्ड बाय गवर्नमेंट फॉर रेजिंग फंड फ्रॉम इन्वेस्टर बॉन्ड एक तरीके की सिक्योरिटी होती है जहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो फंड रेज करने के लिए बॉन्ड को इशू करती है देन आपके टाइप्स ऑफ बॉन्ड आते हैं प्रीमियम बॉन्ड कूपन बॉन्ड कॉलेबल बॉन्ड कन्वर्टेबल बॉन्ड डिस्काउंट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट बॉन्ड प्रीमियम बॉन्ड जो होता है इसमें आपकी फेस वैल्यू और इंटरेस्ट दोनों एडेड होता है उसको हम प्रीमियम बॉन्ड कहते हैं कूपन बॉन्ड एवरी बॉन्ड गिव्स इंटरेस्ट यानी कि जो भी उस पर इंटरेस्ट मिल रहा होता है उस इंटरेस्ट को हम कूपन बॉन्ड बोलते हैं कॉलेबल बॉन्ड आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम द अमाउंट विल बी रिडीम्ड एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अमाउंट आपको वापस करना पड़ता है तो उसको हम कॉलेबल बॉन्ड कहते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड जो कि कन्वर्ट करा जा सकता है वो शेयर्स में डिस्काउंट बॉन्ड इसमें आपका जो बॉन्ड होता है उसकी जो फेस वैल्यू होती है जब हम उससे कम पे इशू करते हैं उसको हम डिस्काउंट बॉन्ड कहते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड जो होती है ये आपके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है देन वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड इसका फॉर्मूला है पी इक्वल्स टू सी डिवाइड बाय वन प्लस आर डिवाइड बाय हंड्रेड की पावर एन प्लस एम अब बाय वन प्लस आर की पावर एन सी आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड होता है सी डिनोट्स टू एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट और कोपन पेमेंट एम डिनोट्स मेचोरिटी वैल्यू आर डिनोट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एंड डिनोट्स टाइम पीरियड है इज अ क्वेश्चन अ ट्वेल्थ परसेंट कोपन बॉन्ड विद अ पार वैल्यू ऑफ रुपीज वन थाउजेंड द रिक्वायर्ड ऑन दिस बॉन्ड इज थर्टीन परसेंट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड विद गिव एन इन्फॉर्मेशन टेन एनअल कूपन पेमेंट ऑफ रुपीज़ वन ट्वेंटी वन थाउजेंड प्रिंसिपल रीपेमेंट आफ्टर टेन ईयर्स फ्रॉम नाउ ट्वेल्व परसेंट आपका कूपन बॉन्ड है जिसपे पार वैल्यू है आपकी हज़ार रुपए और आपको रिक्वायर्ड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बॉन्ड का वो है थर्टीन परसेंट एंड आपको वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो है वो फाइंड करनी है तो हम पहले फार्मूला यूज़ करेंगे फॉर्मूले में हमें देखना है कि हमें चाहिए क्या क्या है तो हमें सी चाहिए और सी हमारा क्या है सी हमारा एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट या कूपन पेमेंट है तो सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे ट्वेल्व परसेंट जो कूपन बॉन्ड लिखा है तो जो आपका सी है सी यानी कि कूपन पेमेंट कूपन पेमेंट आपका ट्वेल्व परसेंट दिया हुआ है तो ट्वेल्व इंटू वन थाउजेंड डिवाइड बाई हंड्रेड पर हो तो वन तो ट्वेंटी आएगा तो वही आपकी सी की वैल्यू होती है देन आप उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे बाकी चीज़ें आपको दी हुई हैं फॉर्मुलेज में तो वहां से आपको वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड पता चल जाएगा देन करेंट ईल्ड वाई टी एम एंड वाई टी सी करेंट ईल्ड इज ऑपटेन बाई डिवाइडिंग एनुअल इंटरेस्ट बाय मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड करेंट ईल्ड जो होता है उस, आ, उसको निकालने के लिए आपको एनुअल इंटरेस्ट जो होगा पर ईयर का उसको आप मार्केट प्राइस से डिवाइड कर दीजिए वही आपका करंट ईल्ड हो जाता है लाइक कैलकुलेट द करेंट ईल पार वैल्यू ऑफ बॉन्ड वन थाउजेंड कोपन रेट ट्वेल्व परसेंट टाइम पीरियड टेन ईयर्स मार्केट प्राइस नाइन फिफ्टी आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करिए इन टू हंड्रेड कर दीजिएगा देन आपको करेंट ईल पता चल जाएगी वहाँ से देन वाई टी एम एंड वाई टी सी आता है ये भी सेम है आपका फॉर्मूले में आप इसको पुट करिए और सी की वैल्यू सेम आपकी वैसे ही निकलेगी जैसे अभी हमने वैल्यू ऑफ बॉन्ड में निकाला था देन वाई टी सी देन आपका आता है ईल टू मेच्योरिटी दिस रिफ्लेक्ट द टोटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टर रिसीव बाई होल्डिंग द बॉन्ड एंटिल इट मेच्योर ईल टू मेच्योरिटी वो होता है कि जब तक आपका वो बॉन्ड मेच्योर यानी कि उसकी लास्ट डेट नहीं आ जाती है तब तक वो जो बॉन्ड है आपका वो इन्वेस्टर के पास ही होता है उसको हम इल टू मेचोरटी कहते हैं दिस वैल्यू इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो टू द प्राइस ऑफ बॉन्ड और ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू बताता है इफ़ वाई टी एम इज ग्रेटर देन कूपन रेट द प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज़ लोअर देन द इट्स फेस वैल्यू अगर आपका वाई टी एम बड़ा होता है कूपन रेट से तो उसकी जो फेस वैल्यू होती है वो कम होती है देन ईल टू कॉल दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल टू कॉलेबल बॉन्ड जब कॉलेबल बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट होता है वहाँ पा वहाँ पर आपका ईल टू कॉल लगता है दीज बॉन्ड्स मे बी रिडीम्ड प्रायोर टू देअर मेचोरिटी डेट एंड द कॉल प्राइस फॉर ईच कॉल डेट इज़ प्री डिटर्माइंड या मतलब यहाँ पे उस मेचोरिटी डेट से पहले ही हम अपना जो बॉन्ड है उसकी हम कॉल कर लेते हैं मतलब आ, उसे हम रिडीम करने के लिए बोल देते हैं और या तो कॉल प्राइस आपका प्री डिटरमाइंड होता है इसमें वाई टी सी इज़ दैट डिस्काउंट रेट विच मेक्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो टू द कॉल इक्वल टू बॉन्ड करेंट मार्केट प्राइस वाई टी सी आपका डिपेंड करता है कि करेंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में और उसी के बेसिस पे आपको उतना ही अमाउंट वापस मिलेगा पूरा अमाउंट आपको वापस नहीं मिलता है देन आपका टॉपिक आता है पॉलिसी रिजर्व द पॉलिसी रिजर्व इज एन इंटेंजिबल अमाउंट पॉलिसी रिजर्व आपका इंटेंजिबल अमाउंट होता है दैट इज सेट असाइड बाय इंश्योर आउट ऑफ द इंश्योरेंस असेट एट द बिगनिंग ऑफ पॉलिसी पीरियड द अमाउंट सेट असाइड इज बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर नेट प्रीमियम बींग इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर क्लेम कंसिडरिंग द अज्यूम्ड इंटरेस्ट रेट पॉलिसी रिजर्व लाइक आपको मतलब कुछ अमाउंट जो होता है उसे आपको वापस करना पड़ता है तो उसके लिए जो कंपनीज होती हैं वो पहले ही एक रिज़र्व बना लेती हैं और उसकी वो हम पॉलिसी रिजर्व कहते हैं जो कि आपके अमाउंट से अलग रखा जाता है कि आपको जब पे करना पड़े तो आप उसी रिज़र्व में से आप उतना अमाउंट पे कर देते हो इंश्योर को कैश वैल्यूज़ कैश वैल्यू इज़ बेसिकली अ सेविंग अकाउंट कैश वैल्यू आपका एक सेविंग अकाउंट होता है दैट डेवलप्स विद इन द पॉलिसी दैट बिल्ड्स इन वैल्यू टू प्रीमियम पेमेंट एंड बिलोंग्स टू द पॉलिसी ओनर द कैश वैल्यू रिप्रजेंट द एडिशन द एडिशनल फंड पेड इन द अर्ली इज ऑफ अ होल लाइफ पॉलिसी विच कैन बी बोरोड अगेंस्ट विच मेक्स इट टेंजिबल एसेड कैश वैल्यू आपकी वो वैल्यू होती है जो कि आप स्टार्टिंग में ही मतलब uh, पे कर देते हो और ये पॉलिसी ओनर बनाता है कि वो अपने पास कुछ अमाउंट पहले ही रिजर्व करके रख लेता है और उसी को वो बाद में टेंजिबल एसेट के तौर तौर पर वापस से क्लेम कर लेते हैं तो उसको हम कैश वैल्यू बोलते हैं ये मैराथन सीरीज़ यहीं पे एंड होती है थैंक यू एवरीवन